दोस्तों, काफी समय से हम लोग एक सुपर हीरो मूवी के बारे में सुनते आ रहे थे जो कि शायद इतना ज्यादा पुराना हो गया था कि अब तो बहुत से लोग उसे भूल भी गए होंगे। लेकिन अचानक से इसका एक मोशन पोस्टर बाहर आ गया जिसे देखकर सभी लोग इस सुपर हीरो मूवी से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाने लगे हैं, वो भी सिर्फ मोशन पोस्टर को देखकर। हम लोग बात कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र के बारे में, जिसका मोशन पोस्टर देखकर सभी लोग हिल गए हैं। इस मूवी में सुपर हीरो बन रहे हैं रणबीर कपूर, जिनकी एक्टिंग के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं, और अपनी एक्टिंग के बलबूते पर ही इन्होंने अपने लाखों करोड़ों फैंस बना रखे हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रणबीर सर की मार्केट में काफी तगड़ी पकड़ है, और इसलिए इस मूवी के हिट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। इस मूवी को लोग सीधे मार्वल डीसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो कि अपने आप में काफी तगड़ी बात है। आखिर लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसकी वजह है ब्रह्मास्त्र पर लगने वाला पैसा और टाइम, और इसके मोशन पोस्टर ने तो हम सभी फैंस की एक्सपेक्टेशन को और भी ज्यादा कर दिया है। ये शायद इंडिया की पहली ऐसी मूवी होगी जिसमें कोशिश की जा रही है कि वो अपने वीएफएक्स की वजह से ही लोगों के बीच जाकर अपनी पकड़ बना ले। बाकी इसकी कहानी क्या होगी, इसमें एक्टिंग का लेवल क्या होगा, म्यूजिक, सॉन्ग, सारी चीजों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। मोशन पोस्टर तो बस हमें इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि हम लोग पता कर सकें कि इस मूवी में वीएफएक्स किस लेवल का होने वाला है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं मूवी के टाइटल पर, जो कि ब्रह्मास्त्र है, जिसका सीधा कनेक्शन है ब्रह्मा जी के साथ। ब्रह्मा जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है, जो कि करते हैं सत्य और धर्म की रक्षा, इनके पास है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, जो कि टोटल 3 वेपन्स के मिलने पर बनता है, जिसका इस्तेमाल करने पर आती है सिर्फ और सिर्फ तबाही। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस हथियार के इस्तेमाल के बाद कोई भी, चाहे सामने कोई भी हो, बच ही नहीं सकता है। अब ये जो मूवी है ब्रह्मास्त्र, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, तो हो सकता है कि मूवी के हर पार्ट में ब्रह्मास्त्र का एक पार्ट ढूंढा जाए और फाइनल पार्ट में इस खतरनाक वेपन को जोड़कर पूरा कर लिया जाएगा और ब्रह्मास्त्र से किसी खतरनाक मिशन को अंजाम दिया जाएगा। हो सकता है कि ब्रह्मास्त्र से पूरी दुनिया को खत्म करके एक नई दुनिया का फॉर्मेशन किया जाए, या ब्रह्मास्त्र की मदद से पूरी दुनिया को बचाया जाए। इसका खुलासा तो मूवी आने के बाद ही होगा। यहाँ हमने कहा कि हो सकता है ब्रह्मास्त्र से पहले दुनिया को खत्म किया जाए। इसके चांसेस इसलिए है क्योंकि इस मूवी में रणवीर कपूर का नाम है शिव, और शिव को डिस्ट्रॉयर माना जाता है, और शिव ने एक बार एक दुनिया को खत्म करके एक नई दुनिया को बनाया था, और जब शिव के हाथों में ब्रह्मास्त्र हो तो दुनिया को खत्म होने से कौन ही बचा सकता है। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए इस मूवी में बहुत ही तगड़ी स्टार कास्ट डाली जा रही है। मौनी रॉय जो कि एक विलेन का रोल प्ले करेंगी, तो वहीं आलिया भट्ट का रोल होगा लव स्टोरी वाला। लेकिन इनकी वजह से दुनिया को बर्बाद या बचाने वाला खेल खेला जाएगा, ये बात लगभग कन्फर्म है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस मूवी में अमिताभ बच्चन का क्या रोल होने वाला है? तो साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार नागार्जुन सर क्या क्या कारनामे दिखाएंगे, ये तो मूवी में ही पता चलेगा। इन सब के पीछे दिमाग है आयान मुखर्जी का। अब देखना ये होगा कि ये अपना जलवा साईफाई और लव स्टोरी के कॉम्बिनेशन में कैसे दिखाते हैं। तो अब आप सभी बताओ, आपको यह मोशन पोस्टर देखकर कैसा लगा? आप इस मूवी से क्या क्या उम्मीदें रखते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं।